Hello kids, welcome to my channel Online Mastery Time, and today I am here again with class 3 maths chapter 3 addition. So today you are going to learn new topic, very interesting topic. But before starting today's video, I would like to request you all to subscribe my channel. Those who are new, please subscribe kids, so that you will watch all important videos of class 3 math. Okay, and also press the bell icon, because whenever I upload new video, you can see, you can watch on time, and share with your friends also. It will be helping them to learn math easily. So today we will discuss about word problems in addition, how to solve these word problems, how to frame the sentences easily, okay, simply in addition word problems. I will discuss on this topic. तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है बच्चों, कुछ भी स्किप नहीं करना है, ताकि आप इम्पॉर्टेंट कुछ भी पॉइंट मिस ना करें और आप इजीली सीख पाएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे आंसर में फ्रेम किया जाता है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, सीखते हैं कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को. ओके, लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले, कभी भी आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर में, किसी भी ऑपरेशन पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, आपको पहले रीड करना है क्वेश्चन को केयरफुली. ठीक है बच्चे, उसको समझना है, उसको रीड करना है, क्या वो पूछ रहे हैं. ठीक है, क्या हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है, तब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, अगर आपको उसको समझ में आपको आ गया क्वेश्चन तो. ठीक है, तो देखिए इसको भी हम रीड करते हैं पहले ये क्वेश्चन. इन एन ऑफिस 3,654 एम्प्लॉयज वर्क इन डे शिफ्ट एंड 1,489 एम्प्लॉयज वर्क इन द नाइट शिफ्ट. हाउ मैनी पीपल वर्क इन द ऑफिस, ओके, इन डे शिफ्ट एज वेल एज इन नाइट शिफ्ट. दे आर आस्किंग कितने टोटल नंबर ऑफ पीपल उसमें वर्क कर रहे हैं, डे शिफ्ट में भी, नाइट शिफ्ट में भी. ठीक है, हमको डे शिफ्ट का नंबर ऑफ पीपल बताया हुआ है, नाइट शिफ्ट का बताया हुआ है, दिया हुआ है, हमको टोटल निकालना है. ठीक है बच्चों, तो पूरे ऑफिस में पूछा है. तो इस तरह से हम एक बार हम क्वेश्चन को समझ लेंगे तो हमें आंसर फ्रेम करना इजीली आ जाएगा. ओके, सो ट्राई टू मेक नाउ सिंपल सेंटेंस इन सॉल्यूशन. फर्स्ट सेंटेंस कैन बी एम्प्लॉयज वर्किंग इन डे शिफ्ट. कितने एम्प्लॉयज जो हैं डे शिफ्ट में वर्क कर रहे हैं, 3,654. नाउ फॉर दैट वर्ड प्रॉब्लम इन एडिशन ऑल्सो यू कैन मेक दिस टेबल, ऐसे टेबल बना के राइट देयर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, क्योंकि इसमें आप प्रॉपर प्लेस पे हर डिजिट को लिख पाएंगे और आपका कोई मिस्टेक भी नहीं होगा, चांसेस कम होंगे. ठीक है बच्चों, मिस्टेक, गलती के चांस बहुत कम होंगे अगर आप ऐसे टेबल बना के एडिशन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में भी. तो ऐसे बॉक्स बना लीजिए, उसमें वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड लिखेंगे. फर्स्ट नंबर हमने लिखा 3,654. ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस विल बी एम्प्लॉयज वर्किंग इन नाइट शिफ्ट. ओके, सो 1,489, देन टोटल एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑफिस, है ना, यू कैन राइट इन द ऑफिस ऑल्सो. तो अब देखिए, ऐड करते समय ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, एक्सट्रीम राइट. सो 9 + 4 विल बी 13, 3 हेयर, 1 कैरी ओवर, ऊपर 1 कैरी ओवर हो गया. नाउ आप पहले कैरी ओवर को प्लस कीजिए, चाहे किसी को भी पहले प्लस कर लीजिए. ठीक है, एज यू विश. सो 8 + 5 13, 13 + 1 14, 14 में 4 यहाँ लिखना है, 1 फिर से कैरी ओवर. अब देखिए 6 + 4 10, 10 + 1 11, 1 हेयर एंड 1 कैरी ओवर. 3 + 1 4, 4 + 1 5, सो 5 इज हेयर. ओके, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, एम्प्लॉयज वर्क इन डे शिफ्ट, एम्प्लॉयज वर्क इन, ओके, वर्किंग के प्लेस पे आप वर्क भी लिख सकते हैं. इट इज योर चॉइस टू मेक सिंपल एंड प्रॉपर सेंटेंस, ओके, मीनिंगफुल सेंटेंस. ठीक है, कुछ उसका मीनिंग निकलना चाहिए, शॉर्ट में आप बना लीजिए बट मीनिंगफुल होना चाहिए. ओके, तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है. सबसे पहले उसको रीड करना है, समझना है, फिर सोचना है क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग वी विल फ्रेम द सेंटेंस. सो सी वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम करते हैं प्रैक्टिस के लिए. देखिए, सो अगेन यू विल रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज, इन अ गार्डन देर आर 1,745 मैंगो, 2,448 एप्पल
and 3562 plum trees. Okay, in all how many trees are there in garden? So एक गार्डन है, उसमें थ्री टाइप्स के ट्रीज हैं, मैंगो ट्रीज, एप्पल एंड प्लम. ठीक है बच्चों, तो उस पूरे गार्डन में कितने ट्रीज हैं आपको टोटल करके ही उनकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, है ना. तो ये तो हमें समझ आ गया कि हमको थ्री टाइप्स के ट्रीज दिए हुए हैं और हमको टोटल उनका निकालना है सम. ओके, नाउ हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस. देखिए, नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, सिंपल इजी एंड मीनिंगफुल सेंटेंस. ओके, नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इक्वल्स टू 1745. फिर से आप ये ऐसे टेबल बना लेंगे, उसमें वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड लिखिए, उसके अकॉर्डिंग यू विल अरेंज दीज नंबर इन प्रॉपर प्लेस. ओके, देयर डिजिट्स इन प्रॉपर प्लेस, 1745 ऐसे लिखेंगे आप. नेक्स्ट लाइन में यू विल राइट नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज. सो नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर 2448. ओके, नाउ नंबर ऑफ प्लम ट्रीज 3562. हेयर वी विल एड नाउ, आफ्टर राइटिंग ऑल दीज थ्री नंबर्स हम इनको एड करेंगे. सो उसमें आप लास्ट सेंटेंस यू कैन राइट टोटल ट्रीज. ओके, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यू कैन ऑल्सो राइट. नाउ स्टार्ट एडिशन फ्रॉम एक्सट्रीम राइट. सो 5 + 8 13, 13 + 2 15. ठीक है बच्चों, आप नीचे से ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी ऐड कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस. 15, 5 हेयर, 1 कैरी ओवर. ओके, नाउ 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15. सो 5 आप इधर लिखेंगे, 1 कैरी ओवर ऊपर. ओके, देन नेक्स्ट 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 1 17, 7 हेयर, 1 कैरी ओवर ऑन 1000 प्लेस. So 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7. Okay, so how many trees are there? 7,755. So there are 7,755 trees in the garden. Okay, so in this way you can solve word problems. Okay, कोई भी आपको difficulty नहीं आएगी अगर आप उसको अच्छे से read करेंगे, समझेंगे, फिर आप उसको simple sentence में convert करेंगे तो, और ये टेबल बना के जब आप ऐड करेंगे तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे. ठीक है बच्चों, तो ये था इजी ट्रिक हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स. आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, आपके लिए यूजफुल होगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर अभी भी नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं क्लास 3 के बुक में. ओके, तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है, ताकि आप इजीली लर्न कर पाएं. And also share with your friends. And you can tell me through comments. अगर आपको कुछ भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. I will clear your doubts. Okay? Thank you so much for watching. We will meet very soon with a new video, new topic. Till then, bye-bye. Take care. God bless you.